सभी लोग जो है इस क्लास को देखेंगे। तो आज की क्लास हमारी जो है एमपी सेट पर है। किस पर है? एमपी सेट पर है। इसका एग्ज़ाम 15 दिसंबर 2024 को है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश ने क्या किया है एमपी सेट में कि सोशल वर्क को अलाइड के रूप में रखा, यानी सोशल वर्क के स्टूडेंट को यहाँ पर दी गई है जगह कि आप ऐसे फॉर्म भर सकते हैं एमपी सेट का, लेकिन आप सोशल वर्क का सिलेबस नहीं पढ़ेंगे। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि सोशल वर्क का सिलेबस पढ़ के जाना पड़ा था और उसने क्लियर अपने नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था, परंतु इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस बार एमपी सेट वालों में अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर से ये साफ शब्दों में कहा गया कि आप समाज शास्त्र का सिलेबस पढ़ कर आए, है ना, समाज शास्त्र का सिलेबस पढ़ कर आए सोशल वर्क के स्टूडेंट, और यहाँ जो है आप जाके एग्ज़ाम देंगे, अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो आपका माना जाएगा कि समाज कार्य में आप क्वालिफाई हैं। एमपी सेट का वैकेंसी अगर समाज शास्त्र से निकलेगी पीएससी आयोग में तो आप वहाँ पे एलिजिबल रहेंगे भी, है ना। तो ये तो बेसिकली 2024 का ऐसा पैटर्न है। आगामी एमपी जो बेसिकली बदलता रहता है अपना पैटर्न, जो भी आग बदलेगा मैं उस कंडीशन के आधार पर, उस परिस्थिति के आधार पर आप लोगों को सूचित करता भी रहूँगा साथ ही साथ। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत समाजशास्त्रीय सिद्धांत में शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपराओं को लेकर एमिल दुर्खी मैक्स वेबर पर बातचीत कर चुका हूँ। इस पर चर्चा हमारी हो चुकी है और कुछ पॉइंट पर मैंने कार्ल मार्क्स पर भी बातचीत कर चुका हूँ आप लोगों को। मैंने भी आपके प्लेलिस्ट देखा है, तो प्लेलिस्ट में मैंने ये साफ शब्दों में यहाँ पर क्लियर कर दिया है, इस टॉपिक को कवर कर लिया है और कार्ल मार्क्स के संबंध में कुछ है तो थोड़ा सा मैं अच्छा, हालांकि कार्ल मार्क्स के बारे में मैं बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ आप लोगों से, है ना। तो एक बार आप सभी लोग एक बार यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसी पर आप लोगों से विचार विमर्श करने वाला हूँ। तो इसके बाद मैं जस्ट आप लोगों से ये भी चर्चा करूँगा। यहाँ पर देखिए बेसिकली क्या है कि एमपी सेट जो है, अगर आप परीक्षा में इसके सवाल देखेंगे जब ना, तो टू द पॉइंट होते हैं, द फैक्ट होते हैं। जैसे ये पहले ही सवाल आपका भूमिका द्वंद के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, ऐसे टू द पॉइंट क्वेश्चंस आपके बेसिकली एमपी सेट में देखने को मिलते हैं। लेकिन यही प्रश्न जैसे अगर हम बात करते हैं तो यूजीसी नेट में थोड़ा सा, यूजीसी में अगर मैं बात करता हूँ, ये थोड़ा सा हायर लेवल पर है, एक प्रकार से आप ऐसा कहेंगे कि नेट जो है नेशनल लेवल का परीक्षा होता है, इसलिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल के आधार पर प्रश्न बनता है। यदि आपने नेट का समाजशास्त्र का सभी प्रश्न पत्र अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो मैं ये 60% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप तैयार हैं, ठीक है, 60%। तो नेट का भी आपको समाजशास्त्र का थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करना भी है और मैं करवाऊँगा भी आप लोगों से, और बाकी सिलेबस भी आप लोगों को देखते रहना है। ज़्यादा डीप में सेट में नहीं बताता है सवाल, बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आप लोगों के कई बार पेपर सॉल्व करवाए हैं, चाहे वो समाज कार्य का भी हो या समाजशास्त्र का भी हो। अभी आपने छत्तीसगढ़ सेट का देखा था तो कितने ईजिली क्वेश्चंस आए थे, उसमें कुछ बच्चे बता भी रहे थे कि सर अगर हम अप्लाई किए होते तो शायद उसको क्वालिफाई भी कर जाते हैं ना। तो बेसिकली यही है कि सेट का एग्ज़ाम जो भी होने वाला है आप सभी लोगों के लिए एकदम आसान सा क्वेश्चन आएगा, परंतु ये तब आपको आसान लगेगा जब आप बराबर कंटिन्यू क्लास के दौरान रहेंगे या उन चीज़ों से रूबरू रहेंगे, तब वो इजी लगेगा, है ना। अब जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, आप पढ़े ही नहीं हैं, तो उसके बाद वो भी टफ़ लगने लगेगा, है ना। तो सिंपल सी बात है। तो मैं आज आप लोगों से ये कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने वाला हूँ आप लोगों से, और उसके बाद आपका ये जो सिलेबस है हम बढ़ेंगे संरचना पर, प्रकारीवाद और संरचनावाद के लिए। इसकी भी एक पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें मेलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, टालकॉट पार्सन, मर्टन और क्लाउड लेविस्ट्रॉस, इन सभी विद्वानों के नाम आपको मिलेंगे। तत्पश्चात मैं एक पीडीएफ और बनाऊंगा तो वो व्याख्यात्मक और निर्वचनात्मक परंपराएं रहेंगी जिनमें ये मीड का, मैक कार्ल मेनहेम का, अल्फ्रेड सूटेज का, हेराल्ड गॉरफेकल का और गॉफमैन का और गीटर्स का, इन विद्वानों की भी एक पीडीएफ में आप सभी को मैं प्रोवाइड कराऊंगा एक यूनिट के क्रम में, एक यूनिट के क्रम में। उत्तर आधुनिकता की बात अगर हम लोग करेंगे, उत्तर संरचनावाद और उत्तर उपनिवेशवाद को लेकर, तो ये भी इसमें भी आप लोगों के इन विद्वानों के नाम देखने को मिलेंगे। 5 पॉइंट मिलते हैं कुल टोटल,
अब पांचवा पॉइंट में आप देखेंगे तो भारतीय चिंतक के नाम मिलेंगे, में जो है एम के गांधी का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, राधा कमल मुखर्जी का, जी एस घुरई का, एम श्रीनिवासन का और इरावती कर्वे का। ये पांच आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड कराई जाएगी क्रम में, है ना, एक क्रम में। यहाँ ये जो पीडीएफ आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए शास्त्रीय समाज शास्त्रीय परंपराएं, तो इसके ऊपर अगर आप जाएंगे देखेंगे तो आपको मिलेंगे वहाँ पे दुर्खिम का भी नाम मिल जाएगा, है ना, एमिल दुर्खिम का, और मैक्स वेबर का भी नाम इसी पीडीएफ में मिलेगा। ठीक है, तो शुरुआत किया जाए क्लास, एक बार स्पष्टीकरण करेंगे, फिर मैं एक बार आपको क्लास पर मैं थोड़े से डिस्कशन करूँगा, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चनों पर भी बातचीत आप लोगों से करूँगा, और ये मैं बता चुका हूँ इसलिए ज़्यादा इस पर समय व्यतीत नहीं करूँगा मैं आप लोगों से, कार्ल मार्क्स पर। ठीक है, प्लीज़ बताएं तो मैं आगे बढ़े, प्लीज। यस सर। हाँ चलो, फिर देखिए कार्ल मार्क्स के बारे में, जैसे कि आप सभी को पता है, ये कभी कभी क्या है कि आजकल एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि कार्ल मार्क्स विद्वान जो है कहाँ का रहने वाला है, है ना, ऐसे सवाल एग्जाम में आ रहे हैं आजकल। तो आप सीधा सीधा बताइएगा कि जर्मनी के राइन प्रांत के रहने वाले ये विद्वान है, पहली बात आपको ये ध्यान रखना होगा इसके बारे में। और उसके जन्म को लेकर अगर हम बात करते हैं, तभी तो एग्जाम तो पूछा तो नहीं गया है, फिर भी आप चाहो तो ध्यान रख सकते हो, 5 मई 1818 का वह वर्ष था। ठीक है, उसके बाद देखिए इनमें अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने सन 1841 में, यानी 1841 में, देखो मैं एक पढ़ा चुका हूँ ये पीडीएफ, है ना, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल करते हुए आगे लेके चल रहा हूँ, है ना, इसमें कुछ पॉइंट आपके कवर हो चुके हैं। तो सन 1841 में ना दर्शन शास्त्र से ये डिग्री इन्होंने, डॉक्टरी की जो डिग्री है इन्होंने प्राप्त की थी। ठीक है, एंड उसके बाद 1842 में अगर हम बात करते हैं तो राइन समाचार पत्र में लेखक का इन्होंने कार्य जो है प्रारंभ किया, परंतु प्रशा सरकार, है ना, परंतु अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रशा सरकार, ध्यान देने वाली बात है, के विरुद्ध कुछ लेख लिखने के कारण मार्क्स को यह समाचार पत्र जो है छोड़ना पड़ गया था। ठीक है, तो ऐसा आप कह सकते हो कि इस कंडीशन में, और ये प्रक्रिया सन 1842 की बात है, राइन समाचार पत्र लेखन के कारण कार्य इन्होंने जब प्रारंभ किया तो प्रशा सरकार के विरुद्ध इन्होंने कुछ लेख लिख दिए और उसके वजह से, है ना, तो समाचार पत्र को इनको छोड़ना पड़ा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, प्रशा सरकार और एक राइन समाचार पत्र लेखन कब शुरू हुआ, और ठीक है ये आपको ध्यान रखना होगा, और किसके विरुद्ध में ये छोड़ना पड़ा है, तो प्रशा सरकार आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने आता है ब्र सेटल्स कर का नाम आता है, सन 1847 में इन्होंने स्थापित किया कम्युनिस्ट लीग और क्षेत्रीय समिति के नेतृत्व की जिम्मेदारी जो है मार्क्स को सौंपी गई थी। तो कम्युनिस्ट लीग की और क्षेत्रीय समिति की, है ना, याद रखना कि नेतृत्व में जिम्मेदारी कार्ल मार्क्स को कब सौंपी गई थी, तो 1847 में बेसिकली सौंपी गई थी। 1848 में आप सभी को पता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसको हम लोग घोषणा पत्र कहते हैं, बड़ा फेमस रहा है ये 1848 में। मुझे लगता भी है कि समाजशास्त्र से अगर आप पेपर दे रहे हैं और कार्ल मार्क्स का सिलेबस में मेंशन है तो ये किताब जरूर याद करके जाएं आप सभी लोग। 1848 में ये जो है प्रकाशित किया गया था। घोषणा पत्र के अंत में कहा भी गया था कि कम्युनिस्ट क्रांति के डर से शासक वर्ग को कांपने दो। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है बेसिकली, अंत में ये बातें जैसे निष्कर्ष या सारांश के रूप में रिप्रेजेंट हुआ, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ऐसा आप कह सकते हो कि क्रांति के डर से शासक वर्ग को कांपने दो, ऐसा स्टेटमेंट बेसिकली कार्ल मार्क्स के द्वारा आया था, है ना। तो यहाँ बेसिकली पूंजीवाद को लेकर, शासक वर्ग को लेकर, मालिक को लेकर इन्होंने थोड़ी सी आलोचना की है उनकी, है ना, मजदूरों पर इन्होंने ज़्यादा बल दिया है ना, एक प्रकार से उनके अधिकारों को प्राप्त करने। कार्ल मार्क्स एक पॉजिटिव विद्वान है जो कि मजदूरों को लेकर बात करते हैं, है ना। तत्पश्चात मजदूरों के पास खोने के लिए अपनी बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं था, ये देखो स्टेटमेंट आ जाता है कभी कभी परीक्षा में पूछता है, और जीतने के लिए उसके पास सारी दुनिया है। तो आप सभी लोग बता सकते हो कि कार्ल मार्क्स जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया ये स्टेटमेंट है ये। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखिए आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने एक शब्द और मिलता है, 1867 कार्ल मार्क्स की बेसिकली एक किताब रही है कार्ल मार्क्स की, दास कैपिटल करके, बड़ी फेमस दृष्टिकोण से देखी गई है कार्ल मार्क्स की किताब। अब देखो इसके बारे में मैंने आप लोगों से पहले भी बता चुका हूँ कार्ल मार्क्स के बारे में, इनकी किताबों को लेकर अगर याद होगा तो अच्छी बात है, दास कैपिटल को लेकर। और क्या आप मुझे बता सकते हैं दास कैपिटल की जो फर्स्ट वॉल्यूम थी वो कब आई थी, प्रथम बुक आप बता सकते हैं क्या मुझे? 67
बिल्कुल, आपने अगर दास कैपिटल को वेलूम फर्स्ट को लेकर अगर बात कर रहे हैं तो 1867 आपका सही जवाब जाएगा सर, आपने सही जवाब दिया है, ये याद रखना है आप लोगों को। और यदि मैं आप लोगों से पूछता हूँ सेकंड बुक की, कब इसका एडिशंस यानी कब वो बेसिकली उभर के आई सेकंड वाली दूसरी वाली किताब, जो बेसिकली द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशंस ऑफ कैपिटल पर बेस्ड थी, सेकंड पुस्तक कब बेसिकली रिप्रेजेंट की गई थी, दूसरी किताब बता सकते हैं क्या आप दास कैपिटल की, अगर हम बात करें सेकंड किताब कब पब्लिश की गई थी? 1878 के दौर में बेसिकली ये किताब जो है पब्लिश की गई थी सेकंड वाली। और जो थर्ड वाली पुस्तक आई थी क्या आप बता सकते हैं, वो आई थी 1885। ठीक है, तो ये बेसिकली किताब रही हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रही हैं कार्ल मार्क्स की, दास कैपिटल को लेकर एडिशन के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है इन किताबों को। पहला 1867 और लास्ट का याद रखेगा आप सभी लोगों को 1885 वाला वर्ष। ठीक है, तो ये देखो दास कैपिटल का प्रथम खंड जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ था। ये भी प्रश्न बनता है कि पहली बार किस भाषा में ये प्रकाशित हुआ था, तो आप बता सकते हो कि जर्मन शब्द में बेसिकली रिप्रेजेंट हुआ था। इसकी मैंने साथ क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाए हैं, याद आ रहा है नहीं आ रहा दास का कार्ल मार्क्स के कुछ क्वेश्चनों के साथ मैंने आप लोगों से बात किया है, बताइए यदि आपको याद है तो अच्छी बात है। मैंने आपसे कहा था कि कार्ल मार्क्स की कृति दास कैपिटल का प्रथम खंड किस भाषा में प्रकाशित हुआ था, तो ये एक सवाल आया था परीक्षा में और शायद मैंने आप लोगों से इस पर डिस्कस भी किया था। किस भाषा में आया था? जर्मन भाषा में आया था। ऑप्शन में अंग्रेजी, फ्रांसी, जर्मन, अरबी होता है, लेकिन आप सभी लोग जर्मन भाषा का वहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पूंजीवाद का बड़ा गंभीर विश्लेषण किया गया इस दास कैपिटल की किताब में। ठीक है, मान्यता को बल देकर प्रतिपादित किया गया और मनुष्य के अस्तित्व की उसकी चेतना को निर्धारित नहीं करती है बल्कि सामाजिक अस्तित्व की चेतना को निर्धारित करती है। ठीक है, समाज के अस्तित्व पर बेसिकली ये खासकर बल देता है और पूंजीवाद का बड़ा गंभीर विश्लेषण करता है दास कैपिटल की ये पुस्तक, याद रखने वाली बात है आप सभी के लिए। आगे हम बात करते हैं तो कैपिटल, दास कैपिटल के अंतर्गत दो शेष खंडों में नाम आया, तो वो बेसिकली एक फ्रेडरिक एंगल्स थे, को एंजल्स भी आता है पेपर में नाम। तो दिसंबर 1864 में लंदन के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वर्किंग एसोसिएशन यानी पहला इंटरनेशनल हुआ था। कब हुआ था? तो 1864 में हुआ था। ये भी ध्यान देने वाली बात है, परीक्षा में इनसे भी सवाल हम लोगों से पूछे जाते हैं, एग्जाम में आता रहता है बराबर इस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह, है ना। तो ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना होगा। कार्ल मार्क्स के श्योर है कि आप लोगों से परीक्षा में सवाल पूछे ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, कार्ल मार्क्स के संबंध में 1864 याद रखना है आपको इसके अंतर्गत। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इसमें कार्ल मार्क्स ने भी भाग लिया, जिसमें जनरल काउंसलिंग में उन्होंने पहले ही चुना गया था। इस संगठन में मार्क्स और इस्माइल दुर्खिम ने और अराजकतावादी विंग के संघर्ष को शामिल किए और 1881 में कार्ल मार्क्स की पत्नी का निधन हो गया। ये इम्पोर्टेंट नहीं रहा है पॉइंट। ठीक है, अब देखिए इनके मार्क्स के कुछ विचार रहे हैं, उन परिपेक्ष में अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ पॉजिटिव दृष्टिकोण पे। स्रोत आपको मैं ये बताना चाहूँगा स्रोत के अंतर्गत कि जर्मन विद्वानों का प्रभाव किस तरीके से रहा है। तो समाज के विकास के लिए हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया गया, ये एक प्रकार से जर्मन विद्वानों के प्रभाव को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, और उन्होंने युवा हीगलवादी फायरबाख से भौतिकवाद का विस्तार किया है। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, जर्मन विद्वानों का प्रभाव, मार्क्स ने समाज के विकास के लिए हीगल की जो द्वंद्वात्मक पद्धति थी उसको अपनाया था, ये एक इंपॉर्टेंट शब्द रहेगा। आप कह सकते हो कि हीगल से प्रभावित भी रहे हैं कार्ल मार्क्स महोदय। ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों के चिंतक की अगर हम बात करते हैं उनके परिप्रेक्ष्य में, तो कहा गया कि ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों ने एडम स्मिथ और रिकार्डो आदि में से श्रम के मूल्य सिद्धांत को अपनाया। तो जैसे आप देखते होंगे भाई कि श्रम के मूल्य का सिद्धांत को अपनाने में भी भूमिका बेसिकली अगर किसी की रही है तो वो भी कार्ल मार्क्स की ही भूमिका देखने को मिली है। तो मार्क्स ने ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों को, एडम स्मिथ को, रिकार्डो को आदि इसी तरीके के विद्वान हैं, तो उन लोगों ने दिया था श्रम के मूल्यों का सिद्धांत, तो वहाँ से लिया श्रम के मूल्य के सिद्धांतों पर इन्होंने विचार विमर्श किया है, ब्रिटिश अर्थशास्त्री इसका आप ऐसा कह सकते हो। और जो बेसिकली जर्मन के विद्वान थे उनसे इन्होंने बेसिकली जो शब्द लिया है मार्क्स में, समाज के विकास के लिए इन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति पर बल दिया था। तो दो बातें क्लियर हो गई, एक ब्रिटिश को लेकर एक जर्मन को लेकर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तीसरी बात आती है फ्रेंच को लेकर। फ्रेंच समाजशास्त्रवादियों की अगर बात करते हैं तो उसमें चिंतन फ्रांस में अगर हम बात करते हैं सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर आदि ऐसे विचारक बेसिकली देखने को मिले हैं जिन्होंने समाजवाद का प्रतिपादन किया था।
उनका स्वरूप यद्यपि काल्पनिक था, तथापि तथापि वह अपने चरित्र में क्रांतिकारी था। कहने का आशय यह था कि एक मार्क्स का कल्पना मूलक समाजवादी कॉन्सेप्ट था, तो इसलिए समाजवाद का जो प्रतिपादन हुआ है वो कार्ल मार्क्स का है, लेकिन कार्ल मार्क्स से पहले बेसिकली उनके पूर्ववर्ती समाजवादी थे सेंट साइमन थे, चार्ल्स फोरियर थे और रॉबर्ट ओवेन का नाम आता है। तीन ऐसे विद्वान थे, चिंतक थे, जिन्होंने अपनी भूमिका रिप्रेजेंट की है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये विद्वानों के नाम भी आप यहाँ पर ध्यान में रखते चलिएगा। तो आपका जर्मन विद्वान क्लियर, ब्रिटिश अर्थशास्त्री क्लियर, आपका फ्रेंच समाजवादी भी क्लियर। अब बात करेंगे सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर। तो यहाँ पर देखेंगे तत्कालीन पूंजीवाद समाज के सोशलवादी चरित्र ने भी मार्क्स के क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने प्रेरित किया था। मार्क्स ने ठीक लिखा कि मार्क्स के चिंतन के संबंध में महत्वपूर्ण बात उनकी मौलिकता नहीं बल्कि समन्वयकारी शक्ति है। देखिए यहाँ पे इन्होंने सामाजिक आर्थिक कंडीशन को बेसिकली पूंजीवाद के आधार पर इन्होंने बताया कि पूंजीवादी समाज के सोशलवादी जो चरित्र है उस पर क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत कर दिया। और ये क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करने वाला विद्वान कार्ल मार्क्स था। किसके आधार पर? सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के आधार पर। इन्होंने ये कहा कि मौलिकता पर बल नहीं दिया, इन्होंने समन्वयकारी पर बल दिया। एक प्रकार से आप ऐसा कह लीजिए कि समानता जैसे शब्द आते हैं उन शब्दों पर इन्होंने बातचीत किया है। तो कई स्थानों से एकत्र करके उनके सिद्धांत के रूप दिया गया और जिससे सर्वहारा आंदोलन सिद्धांत का निर्माण हुआ। तो सर्वहारा आंदोलन आया कहाँ से? सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के आधार पर कार्ल मार्क्स ने रिप्रेजेंट किया, ये एक बात ध्यान रखिएगा। और फ्रेंच समाजशास्त्री के चिंतन पर अगर बात किया जाएगा तो वहाँ पर आप ये बताएंगे कि कल्पनामूलक समाजवाद आया। यदि आपसे ब्रिटिश अर्थशास्त्री की बात होगी तो आप बताइएगा वहाँ पे कि अधिशेष मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, यानी मूल्य का जो श्रम का जो मूल्य का सिद्धांत है वो ब्रिटिश अर्थशास्त्री के चिंतक से कार्ल मार्क्स ने लिया। यदि आपसे पूछेगा कि भाई समाज के विकास के लिए द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया कार्ल मार्क्स ने तो ये कहाँ से अपनाया था? तो आप कह सकते हो जर्मन विद्वान के प्रभाव से। तो तीन चार बातें थी इसमें जो वो स्रोत, जैसे आप कहते हो ना कि भारतीय संविधान के स्रोत वहाँ वहाँ से लिए गए हैं, ठीक है, जैसे मौलिक आप पढ़ते हैं, आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ DPSP आयरलैंड से लिया गया, तो ठीक उसी प्रकार से कार्ल मार्क्स महोदय ने भी अपनी कुछ विचार लिए हैं। तो वो कहाँ कहाँ से लिए हैं? उन्हीं चार शब्दों को मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। अपने आप में एक प्रश्न बनाता है, इन चीज़ों को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, संक्षेप में यहाँ पर कहा भी जा सकता है कि मार्क्स चाहें ईंटों को बहुत से स्थानों से एकत्र किया है या किया हो, परंतु उसमें साम्यवाद का जो भी विशाल भव्य या भवन बनाया है वह सर्वथा मौलिक है। तो मार्क्स ने साम्यवाद को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया है और इसी कारण उसे वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। तो पेपर में यह भी सवाल बन सकता है कि बताइए कौन सा विद्वान निम्नलिखित में से वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से जाना जाता है, तो भी आप बता सकते हो कार्ल मार्क्स का नाम आता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। देखिए आप सभी को बता दूँ कि ये क्लास MP सेट की है ना, MP सेट बेसिकली समाजशास्त्र पर बेस्ड रही है, ठीक है, और आप जानते भी हैं यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत आपकी क्लास चल रही है। आप पर डे आप लोगों की क्लास को ज्वाइन करना है और क्रमबद्धता से आप सभी की क्लास जो है चलेगी सोशोलॉजी पर, ठीक है। तो अब आगे देखिए एक पॉइंट यहाँ पर और मेंशन किया गया कि मार्क्स के कल्पना मूलक समाजवादी के आधार पर। यहाँ मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ एक नाम हमारे सामने रिप्रेजेंट होता है, वो नाम है सेंट साइमन। अभी भी मैंने आप लोगों को बताया है कल्पना मूलक समाजवाद को लेकर, और फिर उसके बाद मैंने आप लोगों से क्या बताया था? फोरियर, चार्ल्स फोरियर के बारे में बताया था, और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? रॉबर्ट ओवेन का नाम बताया। देखो यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि पूर्ववर्ती समाजवादी सेंट साइमन और चार्ल्स फोरियर और रॉबर्ट ओवेन को कल्पना मूलक समाजवादी कहा जाता है, जिनका विवरण इस प्रकार दिया गया है। अब इन्हीं प्रक्रिया के आधार पर हम जो है थोड़ी सी बात करेंगे ये तीन विद्वानों के बारे में थोड़े थोड़े से। पहले तो हम बात करते हैं सेंट साइमन के बारे में। इनका देखिए सन 1861 और 62 के दौरान में सेंट साइमन ने एक प्रकाशित लेखों के अंतर्गत एक नए प्रकार का समाजवाद का नींव रखा था। वो दौर था समाजवाद का, अगर आप नींव कहेंगे तो सेंट साइमन के अनुसार तो आप बता सकते हो कि 1861 और 62 के दौर में बेसिकली ये आया था, और वो वहाँ पर नाम भी आप बता सकते हो सेंट साइमन महोदय का ही नाम देखने को मिलेगा हमारे सामने, ये इंपॉर्टेंट शब्द बन सकता है। तो परीक्षा में सवाल बनता है, एक तो ये बनेगा कि कार्ल मार्क्स के पूर्ववर्ती किस समाजवादी की कल्पना मूलक समाजवाद कहा गया है, तो विद्वानों के नाम आ जाते हैं वहाँ पर बेसिकली, सेंट साइमन हो गया, रॉबर्ट ओमेन हो जाएगा, चार्ल्स फोरियर हो जाएगा, और एक ऑप्शन में रहेगा ये सभी, तो आप सभी को लगाइएगा, ठीक है। और एक सवाल ये भी प्रश्न बन सकता है कि सर्वहारा समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद में निम्न में से किसका संबंध पाया जाता है, तो सर्वहारा समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद में। अच्छा, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के रूप में तो आप कार्ल मार्क्स का नाम तो लगा ही देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है,
है कि नहीं। लेकिन यदि आपसे यही थोड़ा सा प्रश्न बढ़ा दिया जाए कि सर्वहारा समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद निम्न में से किसका संबंध पाया जाता, तो क्या जवाब देंगे बताइए जरा एक बार जवाब। क्या आपको लगा रहे हैं सर? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स बता रहे हैं। तो मेरे कहने का आशा ये हुआ कि आप सभी लोगों की ये बात समझ में आ गई, तो आप सभी लोग वहाँ पे कार्ल मार्क्स यानी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप सबको ध्यान में रखनी पड़ेगी। उन्होंने इसी तरह के वर्ग संघर्ष का सिद्धांत रखा, परंतु हिंसात्मक संघर्ष नहीं रहा है। उसने जिन दो प्रमुख वर्गों की पहचान की वे उत्पादन उद्योगपति, उत्पादक या उद्योगपति, और परोपजीवी या अधिकारी वर्ग। ये दो चीज़ें इन्होंने जिक्र किया है, ठीक है। तो दो प्रमुख वर्गों की पहचान, दो प्रमुख वर्गों की पहचान जहाँ पे आप देख रहे हैं उत्पादक और उद्योगपति, दूसरा आप देख रहे हैं परोपजीवी या अधिकारी वर्ग। तो वहाँ संत साइमन का ही नाम आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है। बस इतनी चीज़ ध्यान रखें, इनके में ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है आपको। सेंट साइमन में कार्ल मार्क्स का टॉपिक है, क्योंकि आपके पेपर में कार्ल मार्क्स के सिलेबस में मेंशन किया गया है, इसलिए थोड़ी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिए चार्ल्स फोरियर का नाम है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो चार्ल्स फोरियर की बात अगर हम करते हैं, तो इन्होंने 19वीं सदी के प्रारंभ में फ्रांसिस सामाजिक आलोचक और साम्यवादी विचारक रहे हैं। ये इनकी एक महत्वपूर्ण बेसिकली कृति रही है, द सोशल जो है डेस्टिनी ऑफ मैन करके, और याद रखिएगा सन 1808 की है। इसे हिंदी में मनुष्य की सामाजिक नियति कहा जाता है, है ना। इम्पॉर्टेंट रहेगा ये पॉइंट आप सभी के लिए। और इसके अंतर्गत मानवता की मुक्ति के लिए अपनी योजना प्रस्तुत किया है ना। ये आपको ध्यान में रखना होगा इसके परिप्रेक्ष्य में, चार्ल्स फोरियर के बारे में। बस इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी एम पी सेट के लिए, याद रखें। आगे अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक नाम आता है रॉबर्ट ओवेन का नाम। ये पीडीएफ मैं अभी आपके ना टेलीग्राम पर डालूंगा, और यहाँ पर यूनिट नंबर एक की पूरी पीडीएफ आपके ग्रुप में जाएगा, और यूनिट नंबर अगर हम बात करते हैं वन का ही आपका पूरी वीडियो का लिंक जाने वाला है एमपी सेट के ग्रुप में, ठीक है। आप टेलीग्राम पर भी चेक करिएगा क्लास समाप्त होने के बाद। रॉबर्ट एवन ने 19वीं सदी के आरंभ में ब्रिटिश उद्योगपति और मानव प्रेमी और सहकारिता आंदोलन का अग्रदूत था। देखिए ये रॉबर्ट ओवेन के बारे में बात किया गया है, ये भी 19वीं सदी के दौर में आते हैं, ब्रिटिश उद्योगपति और मानव प्रेमी और सहकारिता आंदोलन के अग्रदूत कहे जाते हैं इनको, और उसे आरंभिक समाजवादी माना जाता भी है। ओवेन ने 1799 ईस्वी में स्कॉटलैंड के न्यू लनार्क शहर में एक आदर्श सूती कपड़ा मिल स्थापित किया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द हमारे सामने बन सकता है रॉबर्ट ओवेन को लेकर, ठीक है। रॉबर्ट ओवेन को लेकर ये प्रश्न हमारे सामने प्रस्तुत हो सकता है, मे बी। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, और यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि मजदूरों के लिए अच्छी मजदूरी और काम की अच्छी शर्तें जुटाकर भी व्यावसायिक सफलता से प्राप्त की जा सके, ये एक पॉइंट रहेगा, आप इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। ओवेन की एक और किताब रही है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं वो किताब थोड़ी सी फेमस रही है, जिसको कहा जाता है अ न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी, इसका हिंदी होता है समाज के प्रति एक नया दृष्टिकोण। सन 1812 और 13 के अंतर्गत ये प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार प्रणाली का खंडन करते हुए सहकारिता प्रणाली पर समर्थन किया था इस किताब में, और एक व्यक्ति का लाभ दूसरे व्यक्ति की हानि नहीं बनेगा ऐसा इन्होंने इसके अंतर्गत बताया, और कहा कि एक स्वस्थ और सुखमय वातावरण व्यक्ति के चरित्र को उत्तम समाज की आवश्यकता के अनुरूप ढाल देगा। इस तरीके का कॉन्सेप्ट बेसिकली समाज के प्रति एक नया दृष्टिकोण रिप्रेजेंट किया सन 1812 के दौर में, नाम रॉबर्ट ओवेन का, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा हम सब के लिए, इसको आप प्लीज़ ध्यान में रखेंगे। आगे बात करेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट पर, कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद को लेकर। कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक, देखो कौन से विद्वान है जिन्हें समाजवाद का जनक कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है आप सभी को। कार्ल मार्क्स का ही नाम बताएंगे। तो यहाँ अगर हम वैज्ञानिक समाजवाद की बात कर रहे हैं, तो सर्वहारा समाजवाद तथा वैज्ञानिक समाजवाद, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सर्वहारा समाजवाद तथा वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से ज्ञात मार्क्सवादी समाजवाद को मार्क्स इसलिए वैज्ञानिक कहा जाता है कि यह इतिहास के अध्ययन पर आधारित है, इसलिए उनको वैज्ञानिक कहा गया है। और पहले साइमन फोरियर और रॉबर्ट ओवेन का समाजवाद वैज्ञानिक इसलिए नहीं था क्योंकि इन्होंने इतिहास के आधार ना मानकर केवल कल्पना पर बेस्ड मान लिया था, इसलिए वैज्ञानिक नहीं कहे गए। ऐतिहासिक आधार पर बात करने वाले विद्वान थे तो वो कार्ल मार्क्स थे। इसी वजह से मैंने अभी आपको बताया भी संक्षेप में कि मार्क्स ने साम्यवाद को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया, और जब वैज्ञानिक रूप किसी चीज़ को प्रदान करेगा तो उसी वजह से उन्हें वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाएगा, और उसी समाजवाद के अंतर्गत मैं इन्हें बता रहा हूँ कि क्यों कहा गया, क्योंकि इन्होंने बेसिकली इतिहास पर आधारित
क्रियाओं पर बल दिया, ना कि कल्पना पर। तो कल्पना पर अगर बल देने वाला विद्वान था कौन कौन, चार्ल्स फोरियर था, रॉबर्ट ओवेन था या साइमन था। अगर उन लोगों ने कल्पना पर बात नहीं किया होता ना, तो वैज्ञानिक उन्हीं में से कोई एक बन जाता, ठीक है, समाजवाद का जनक के रूप में। लेकिन किसी ने ऐतिहासिक बल दिया ही नहीं, सब कल्पना पर बात कर रहे थे, है ना। बाद में ये क्रियाएं बेसिकली वैज्ञानिक आधार दिया मार्क्स महोदय ने, तो इसलिए मार्क्स का नाम फेमस हुआ। मार्क्स का दर्शन बड़ा है विराट और सुख संबद्ध है। केटलिन के अनुसार, एक ये विद्वान का नाम है केटलिन, इन्होंने कहा है कि उसका क्रांतिकारी कदम जो है वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर आधारित है। ये देखिए यहाँ पर केटलिन ने अपने अकॉर्डिंग बताया है वर्ग संघर्ष के बारे में, कि वर्ग संघर्ष अतिरिक्त मूल्य और आर्थिक सिद्धांत पर, और आर्थिक सिद्धांत इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर, मार्क्स हीगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत पर, और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आध्यात्मिक विधा पर आधारित है। इस प्रकार कुछ विचारधाराएं बेसिकली मार्क्स के द्वारा रिप्रेजेंट हुई, जो आप पेपर में देखेंगे एक नंबर के सवाल। सर, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं सर कि ये किसका कथन है, जैसे कैटलिन का जो कथन है, किस टाइप से? बिल्कुल श्योर बन सकता है सर, इसमें कोई दो राय नहीं, चार्ज लगने का बन सकता है इसमें कोई, जी बिल्कुल बन सकता है सर, ठीक है ना। अभी आप लोगों को ना जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा कार्ल मार्क्स के बारे में, अब बेसिकली यूनिट नंबर फर्स्ट हम लोगों का टारगेट रहेगा, जी का जो टारगेट इस समय होने वाला है। मुझे आज अगर मैं बात करता हूँ तो आज ट्यूसडे है, तारीख आज 6 तारीख है, और पूरी कोशिश करूँगा कि इसी सप्ताह में यूनिट नंबर फर्स्ट समाप्त कर दूँ मैं आपका, है ना। और पूरी मेहनत से आप सभी लोगों को मेरा साथ देना होगा मॉर्निंग में 9 से 10, और उसी के आधार पर ये यूनिट जैसे ही फर्स्ट समाप्त होगा तो फिर हम लोग करेंगे लगभग मान के चलिए एक सप्ताह ही केवल क्वेश्चन करेंगे यूनिट नंबर 1 से, ताकि पता चले कि रिधम किस तरीके से बनेगी, है ना। और टोटल यूनिट नंबर सही सवाल रहेंगे सर, इसका पीडीएफ जरूर मिलती रहे सर, क्योंकि जैसे एमपी सेट के अगर स्टूडेंट है तो आप निश्चिंत रहे, है ना। अब आपका ही टारगेट हमने बना रखा है, सेट का ही टारगेट है। सर कल आपने पेपर एनालिसिस किया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उस पेपर एनालिसिस में सर आपका क्या व्यू है, मतलब मॉड्यूलेट पर था हार्ड था? कौन सा, एमपीपीएससी का? हाँ, एमपीपीएससी सर, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर एकदम इजी टाइप का था, मॉडरेट लेवल का पेपर था, कोई ज्यादा खास ज्यादा टफ पेपर नहीं रहा है, ठीक है। स्टेट के आधार पे आप ऐसे कर सकते हो। चलिए ठीक है, अभी टॉपिक में बात करते हैं सर, बाद जिक्र, ठीक है। तो मैंने अभी आपसे बताया कि मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद को लेकर, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अब जैसे कैटलिन ने क्या कहा, कैटलिन ने कहा कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत पर आधारित था, और वर्ग संघर्ष अतिरिक्त मूल्य के आर्थिक सिद्धांत पर था, और आर्थिक सिद्धांत इतिहास का ना आर्थिक व्याख्या पर बल देता है। अतः मैं आप सबसे कह सकता हूँ ये कैटलिन ने अपने विचार को प्रस्तुत किया, तो उन्हीं के आधार पर बेसिकली द्वंद्वात्मक सिद्धांत पर और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आध्यात्मिक विधा पर आधारित हो जाने के नाते, तो कार्ल मार्क्स ने अपनी विचारधारा प्रस्तुत की। ये विचारधाराएं हैं जो आपके सामने प्रस्तुत हो रही हैं। तो ये पेपर में सवाल बनता है कि भाई ये बताइए निम्नलिखित में से किस विद्वान के द्वारा दिया गया है। तो जब भी पेपर में आए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, तो आप सभी लोग कार्ल मार्क्स का नाम लगा दिए, क्योंकि ये विचारधारा है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात करते हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का पूरक सिद्धांत है, ये भी आप कह सकते हो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत की बात करते हैं तो भी आप कह सकते हो कि ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। वर्ग संघर्ष सिद्धांत की बात अगर हम लोग करते हैं तब भी आप लोग कह सकते हो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा ये चीज़ें रिप्रेजेंट की गई है। मार्क्स क्रांति का सिद्धांत अगर आपके पेपर में आता तब भी आप नाम लगा सकते हो कि ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। तो ये सभी जो स्तंभ है ना, जिन पर मार्क्स ने अपने दर्शन का भवन निर्मित किया है, एक दूसरे से गुत्थे हुए तथा उनकी विचारधारा के अभिभाज्य इकाई के रूप में रिप्रेजेंट हुआ। अभिभाज्य का मतलब एक यूनिक पार्ट के रूप में प्रस्तुत हुआ, जहाँ पे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष, मार्क्स क्रांति का सिद्धांत, ये चीज़ें एक यूनिक के रूप में रिप्रेजेंट हुई हैं और समाज के दर्शन के रूप में आई हैं, समाज के परिपेक्ष में दर्शन के रूप में रिप्रेजेंट हुआ है। अभी कैसे अपना भूमिका निभाई है तो एक एक करके थोड़ा सा ध्यान देंगे तो और चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे सबसे पहले मैंने लिख दिया है मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें देखिए प्रथम शब्द जो है द्वंद्वात्मक उस प्रक्रिया का स्पष्ट करता है जिसके अनुसार सृष्टि का विकास हो रहा है, और दूसरा शब्द है जैसे भौतिकवाद सृष्टि के मूल तत्वों को सूचित करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूलाधार है, और यह सिद्धांत भौतिकवाद की मान्यताओं को द्वंद्वात्मक पद्धति के साथ मिलकर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने का प्रयत्न किया है। तो द्वंद्वात्मक सिद्धांत बेसिकली क्या है, सृष्टि के विकास रहा है ना इस प्रक्रिया में।
भौतिकवाद सृष्टि का मूल तत्व के रूप में सूचित करता है और संपूर्ण चिंतन का मूलाधार माना जाता है भौतिकवाद को। तो बेसिकली इस सिद्धांत के प्रतिपादन ने मार्क्स के द्वंद्वात्मक विचार हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति से ग्रहण किया है। अभी भी मैंने ऊपर बताया था, तो ये द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाने का आधार क्या था? हीगल से ही लिया गया था, है कि नहीं? हीगल से। यहाँ पर देखिए, इस सिद्धांत के प्रतिपादन में मार्क्स ने द्वंद्वात्मक का विचार जो है हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति से ग्रहण किया और भौतिकवाद के दृष्टिकोण, एक मिनट होल्ड रखना जरा, ठीक है, तो द्वंद्वात्मक पद्धति को ग्रहण किया, भौतिकवाद का दृष्टिकोण बेसिकली फायरबाख से ग्रहण किया। मार्क्स ने इसी सिद्धांत को समस्त साम्यवादियों के लिए बेसिकली दिशा निर्देश यंत्र की उपमा दी, जिसका प्रयोग करके साम्यवादी अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन की दिशा को निर्धारित किया। तो ये बेसिकली पार्ट यहाँ पर जो है बन जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये चीज़ें जरूर ध्यान में रखेंगे कि यदि आपसे सवाल बनता है परीक्षा में कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद बेसिकली कहाँ से लिया गया है, तो आप सीधा कहिएगा कि हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति से ग्रहण किया है कार्ल मार्क्स महोदय ने। दूसरा सवाल आपसे ये बन सकता है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो कार्ल मार्क्स ने दिया है। तीसरा सवाल आपसे ये बन सकता है कि भौतिकवादी दृष्टिकोण जो है फायरबाख से ग्रहण किया है, कहाँ से ग्रहण किया है? फायरबाख से ग्रहण किया। ये पेपर में मुझे लगता है कि ये सवाल बन सकता है कि कहाँ से ग्रहण किया है, तो ये फायरबाख से ग्रहण किया है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में देना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, द्वंद्वात्मक बेसिकली यहाँ पर प्रक्रिया भी दी गई है, इसके अंतर्गत तीन अंग आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है तीनों अंग, अभी मैं आपको बताता हूँ। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति पर बेसिकली आधारित था। हीगल यह मानते चलते थे कि समाज की प्रगति प्रत्यक्ष ना होकर टेढ़े मेढ़े तरीके से हुई है, ठीक है। ये मानता कौन था? देखिए, यही है दर्शन, इसी को द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत हीगल महोदय मानते चलता है कि समाज की प्रगति प्रत्यक्ष से नहीं है, टेढ़े मेढ़े तरीके से हुई है। तो ये हीगल ने कहा है, कहीं आप ऐसा ना कहें कि कार्ल मार्क्स ने कहा है, ऐसा नहीं, ये हीगल के द्वारा कहा गया है। और इन्हीं के तीन अंग हैं, वाद, प्रतिवाद, संवाद, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है। तो मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार हीगल की ही द्वंद्ववादीय दर्शन है, तो उन्हीं की प्रक्रिया बेसिकली यहाँ पर ली है किसने? कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। एंड आगे बढ़ते हैं भौतिकवाद, इसके बाद देखिए ये आपके सामने भौतिकवाद आ जाता है, जहाँ हीगल की सृष्टि का मूल तत्व तो क्या है? चेतना है या विश्वात्मा को मानते हैं, तो वहीं मार्क्स दृष्टि का मूल तत्व तो जो है जड़ को मानते हैं। मार्क्स के अनुसार कहा गया सृष्टि की उत्पत्ति जड़ से हुई है, यहाँ तक कि चेतना की उत्पत्ति भी जड़ से ही हुई है, ठीक है। तो सृष्टि की उत्पत्ति जड़ से हुई है, चेतना की उत्पत्ति भी जड़ से हुई है, तो मार्क्स का जड़ का मतलब क्या था? उन्होंने कहा कि भौतिक परिस्थितियाँ अर्थात आर्थिक परिस्थितियाँ से हैं। मार्क्स के अनुसार आर्थिक संबंधों का महत्वपूर्ण उत्पादन प्रणाली है, इसलिए उत्पादन प्रणाली जब भी कहीं हम लोग देखते भी हैं तब भी हम नाम लगा देते हैं, कार्ल मार्क्स का ही नाम आता है, ठीक है। जब उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता है तो समाज भी परिवर्तन होता है, तो समाज में यह परिवर्तन द्वंद्वात्मक पद्धति से ही होता है। मार्क्स के अनुसार भौतिक जगत द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से अपनी पूर्णता की यात्रा पर अग्रसर है और उसके विभिन्न रूप, उसकी यात्रा के विभिन्न पड़ाव हैं। इन संदर्भ को आप जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये भौतिकवाद के अंतर्गत रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब ये देखिए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की कुछ विशेषताएं रिप्रेजेंट की गई हैं। अब ये विशेषताएं बेसिकली फिलोसफी ऑफ मार्क्सिज्म शब्द है, ये यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अपनी एक उनकी पुस्तक थी, रचना थी, आप सभी लोगों को पता होगा इसके बारे में, है ना, फिलोसफी ऑफ मार्क्स कह सकते हो। ये बहुत ही फेमस किताब रही है कार्ल मार्क्स महोदय का। क्या आप बता सकते हैं इस किताब की रचना कौन से वर्ष में की गई थी? प्लीज़, मैं देखो इनके बारे में पढ़ा भी चुका हूँ पहले से, ऐसा नहीं कि आप लोग पहली बार नाम सुन रहे हैं, है कि नहीं? ऐसा तो है कि नहीं, आप लोग पहली बार नाम सुन रहे हैं? सही बात बताऊँ, बताइए। बता सकते हैं द फिलोसफी ऑफ मार्क्स शब्द यूज कर सकते हैं, 1877, ठीक है भाई। थोड़ा सा तीव्र गति से इन चीज़ों को याद रखने का प्रयास करें, है ना, अगर आप इस तरीके की चीज़ें स्किप करेंगे तो दिक्कत है, क्योंकि अभी मैंने हाल ही में MPPSC क्लास लिया था, तो उनमें इन शब्दों को लेकर हमने विचार विमर्श किया था, ठीक है। तो ध्यान देने वाली चीज़ें हैं ये सभी की सभी। और इसके अंतर्गत आप देखिए क्या भूमिकाएँ रही हैं, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, जो इस किताब में विशेषता द्वंद्वात्मक पद्धति को दर्शाया गया या भौतिकवाद पद्धति को दर्शाया गया है।
तो देखिए क्या विशेषता है इसमें। द्वंद्वात्मक के अनुसार विश्व स्वतंत्र एवं असंबद्ध वस्तुओं का ढेर या संग्रह मात्र नहीं वरन समग्र इकाई है जिसकी समस्त वस्तुएं संबंध और परस्पर निर्भर हैं। इसीलिए हमारे द्वारा किसी वस्तु को दूसरी वस्तुओं के साथ उसके संबंधों के संदर्भ में भी समझा जा सकता है। ठीक है, तो एक तो ये रहा बेसिकली विशेषता कि असंबद्ध वस्तुओं का ढेर संग्रह मात्र नहीं है बल्कि समग्र इकाई पर बल देता है, ये समस्त वस्तुओं पर बल देता है, परस्पर निर्भरता पर बल देता है। ऐसे शब्दों पर बात करेंगे आप द्वंद्वात्मक में विशेषता में। द्वंद्वात्मक विशेषता के अनुसार एक चीज़ और बताई जा रही है, प्रकृति अस्थिर गतिशील और निरंतर परिवर्तनशील है प्रकृति, ये बात आपको सभी को पता होना चाहिए। प्रकृति के अंदर जो है सदैव कुछ नई चीज़ें उत्पन्न और विकसित होती हैं और पुरानी चीज़ें नष्ट होती हैं, ये बात आप जानते भी हैं, ये तो बड़ा आसान है, आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। द्वंद्वात्मक के अनुसार वस्तुओं का विकास परिवर्तन की प्रक्रिया सरल नहीं है। देखिए परिवर्तन की प्रक्रिया इतनी ईजी नहीं है, ना ही वस्तुओं के विकास की प्रक्रिया इतनी ईजी है। वे केवल अपनी दिशा को आगे नहीं बढ़ती बल्कि उसको में गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। गुणात्मक परिवर्तन जरूरी नहीं कि मात्रात्मक परिवर्तन से ही चीज़ें हो जाए, जिसके परिणाम स्वरूप अपने पुराने गुण छोड़कर नवीन गुण धारण कर लेते हैं, है ना, तो वो चीज़ें बन जाती है। वस्तुओं के गुणात्मक परिवर्तन क्यों होते हैं, क्योंकि इसका उत्तर मार्क्स हीगल की विचारधारा के आधार पर ही देता है। अनुसार इसके कहा गया है कि वस्तुओं का शाश्वत अंतर्विरोध पाया जाता है इसमें। वस्तुओं का अगर हम बात करें शाश्वत अंतर्विरोध पाया जाता है, मतलब ये क्या है, तो वस्तुओं में निहित इन परंपरा या परस्पर विरोधी तत्व संघर्ष परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप ही वस्तु में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। तो उसके विरोध में होता है, अपोजिट में होता है, तो जो भी होगा अगर वो क्या होता है उसमें गुणात्मक परिवर्तन होता है अपोजिट में, है ना। ठीक है, तो वस्तु किसी वस्तु है, कोई अगर वस्तु के संबंध में हम बात कर रहे हैं तो उसमें वस्तु में अगर परिवर्तन आया तो उसके परिवर्तन आने का कारण हो सकता है कि अपोजिट रीजन, उसके अपोजिट रीजन, और वो रीजन दर्शाता है गुणात्मक, वो रीजन गुणात्मक दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आलोचना है, आलोचना से कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनेंगे एमपी सेट में, इसको आप छोड़ दीजिए, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, नियम भी कोई खास नहीं रहेगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ऐतिहासिक भौतिकवाद को लेकर, ये रहा ऐतिहासिक भौतिकवाद। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा है इसकी मैं कल बातचीत आप लोगों से करूँगा, इससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को रूबरू करवा दूँ कि एक प्रश्न अगर आपके परीक्षा में बनता है तो वो किस तरीके से बनेगा। तो थोड़ा सा आप लोग प्रश्न को देखिए, है ना, ये देखिए मैं आप लोगों के लिए ये जो प्रश्न ले रखा हूँ ये यूजीसी नेट का समाजशास्त्र का प्रश्न पत्र है, ये जुलाई 2018 में पूछा गया सवाल आया था कि भूमिका द्वंद्व संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। आसान सा सवाल है, मुझे उम्मीद है कि आप जवाब भी बता देंगे, मुझे बता सकते प्लीज आपके सामने यहाँ पर ये जो सवाल प्रस्तुत हुआ है क्या आप जवाब इसका देना उचित समझेंगे, प्लीज एक बार अपने प्रश्नों का। मटन आरके मटन एक मिनट आरके मटन की तरफ भी आप लोगों का रुख आ रहा है। चलिए बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है कि भूमिका द्वंद के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला अगर कोई विद्वान है तो वो आरके मटन है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पर करेक्ट जवाब है। बिल्कुल सही जवाब आपने सर दिया है यहां पर। ठीक है, देखिए मैंने आपको थोड़ा सा जो यूनिट नंबर नेक्स्ट हमारा है, जैसे अगर मैं सिलेबस में बात कर रहा हूँ आपसे, ये देखिए यूनिट नंबर नेक्स्ट नहीं, यूनिट नंबर फर्स्ट के ही अंतर्गत आपका जो अगला पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है संरचना और प्रकारवाद और संरचनावाद को लेकर, इन्हीं के संबंध में ये सवाल जो है आपके सामने प्रस्तुत है। इन्हीं पाँच विद्वान के बारे में आप लोगों के सामने ये सवाल प्रस्तुत है, क्योंकि अगली क्लास हमारी जो होने वाली है इसी पर होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट वाली, तो देखिए यहाँ पे आरके मर्टन, या किसने माना कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं का आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है। ये देखो दो जुलाई 2018 में सवाल बना था, आप बता भी सकते हैं इसका जवाब किसका नाम आएगा कि सामाजिक संरचना भूमिका के आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है, तो एस एफ नडेल का नाम आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। सूची यहाँ पर आपको मैच करना है तो, और आप इससे आसानी से मैच भी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर थ्योरी की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप सभी लोग कह सकते हो आर के मर्टन का नाम प्रस्तुत होता है, और दी थ्योरी आप सोशल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आप सभी लोग कह सकते हो कि आर ए रेडक्लिफ ब्राउन का नाम। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड प्रिमिटिव सोसाइटी की बात करते हैं तो आप सभी लोग इसका नाम बता सकते हो सी लेवी स्ट्रॉस का नाम। अभी देखिए प्रिमिटिव सोसाइटी करके पेपर में सवाल भी आया था, आप लोगों ने साथ इन्हीं का नाम लगाया था MPPSC में, है ना। और सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी लोग कह सकते हो ये बनेगा आपका क्या
क्या बनना चाहिए बताइए? पार्सन्स, टालकॉट पार्सन्स। यहाँ पर आपका ये जो सवाल बनना चाहिए, नडेल का नाम बनना चाहिए या टालकॉट पार्सन्स, प्लीज नाम बताइएगा। जी क्या कहते हैं? नडेल का नाम बता रहे हो आप, आएगा सोशल। देखो यहाँ अगर हम बात करते हैं ना, ये किताब तो बेसिकली आर के मर्टन की जानी चाहिए, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर किसका नाम जाना चाहिए? आर के मर्टन का नाम जाना चाहिए, ये होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, यही किताब आपकी सही हो जाएगी। सन 1949 का, 1949 का, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट रहेगा। एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी को लेकर, तो रेडक्लिफ ब्राउन का नाम आना चाहिए, लेविस्ट्रॉस का नाम मैंने लगवाया था, यहाँ पे ब्राउन का नाम आना चाहिए, है ना, ये ब्राउन का नाम आना चाहिए 1952, ये आपका करेक्ट जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई, ये आपका सही रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा वर्षों के साथ भी आप इसे देख लें, इसको सही तरीके से इसको मैच कर लीजिए। समाजशास्त्र और संरचनात्मक कार्यात्मक उन तरीकों की खोज करता है जिसमें समुदाय के विभिन्न हिस्से एक दूसरे के साथ चित बात जो है साथ बातचीत करते हैं, ठीक है। हालांकि द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर में सामाजिक सिद्धांत और सामाजिक संरचना में अगर हम बात करते हैं तो आर के मर्टन का ही कॉन्सेप्ट जाता है, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ना तो आर के मर्टन का ही नाम ये जाता है, और ये वही किताब यहाँ पे केवल लिखिए दी की जगह सोशल हटा दिया है ना, बाकी वही कोश बन रहा है सारे के सारे पॉइंट। तो मैं आप सबसे कहूँगा आर के मर्टन का ही नाम यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, ये क्वेश्चन बेसिकली गलत आया हुआ है, 1949 पेपर पे गलत छप गया है भाई, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। और यदि आपको ये देखिए, अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, नडेल के बारे में, तो नडेल की कॉन्सेप्ट की भूमिका भी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल भी सकती है, क्योंकि इन्होंने आलोचना के आधार पे सामाजिक अवधारणा जब इन्होंने बता रहे थे, सामाजिक अवधारणा किसके बारे में, सामाजिक अवधारणा के बारे में, तो इन्होंने सोशल थ्योरी की बजाय दी थ्योरी लिखा था। तो मैं कहूँगा कि देखिए दोनों बात याद रखिएगा, एक तो मर्टन का नाम और दूसरा नडेल का नाम, इन्हीं कॉन्सेप्ट में। और अगर नडेल का नाम याद रखेंगे तो सामाजिक अवधारणा में याद रखेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, सामाजिक अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में नडेल का नाम याद रखेंगे तो याद रखेंगे। और यदि संरचनात्मक कार्यात्मकवादी के बारे में याद रखेंगे, किसके बारे में, संरचनात्मक और कार्यवादी के रूप में अगर याद रखेंगे तो यहाँ पे मर्टन का नाम याद रखेंगे, दोनों चीज़ें बनती है। लेकिन दी थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर में आप जो है एस एफ नडेल का नाम लगा सकते हो, गलत आपका जवाब नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐतिहासिक प्रकाशन पर भी बात करेगा तो भी आप नाम लगा सकते हो उसी किताब का नाम, ऐतिहासिक में अगर आता है तो आर के मर्टन का नाम लगा सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि शायद आप सबको ये बातें समझ में आ रही होगी, प्लीज़ एक बार स्पष्टीकरण करिएगा, बताइए। हाँ, ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ थोड़ी सी डीप में जाकर इन चीज़ों को, ठीक है। और द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर की बात करेगा तो आप सभी लोग नाम लगा सकते हैं नडेल का नाम भी, लेकिन वो सामाजिक अवधारणा में केवल, अगर आप लगाएंगे भी तो सामाजिक अवधारणा में ही बेसिकली लगाएंगे, ठीक है। और इस किताब को जब पब्लिश किया गया था तो वह वर्ष था 1957, किसके द्वारा, ये मैं बता रहा हूँ 57 में, बताइए, नडेल के द्वारा, हाँ नडेल द्वारा बता रहा हूँ, ये बात आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए हमारे सामने एक किताब और आती है स्ट्रक्चर बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी करके, 1949 में ये सी जो है लेविस्ट्रॉस का नाम आता है ना, सी लेविस्ट्रॉस का नाम आता है, यहाँ पर ये करेक्ट जवाब जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को इतने जो है जो मैंने आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है नाम, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं टालकॉट पार्सन्स महोदय, मुझे उम्मीद है और मैं भलीभांति तरीके से जानता हूँ कि आप सबको पता भी होगा, द सोशल सिस्टम, इन्होंने एक किताब लिखा था 1951, अगर आता पेपर में तो यही लिखा होता, या तो द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन लिखा होता, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल
एक्शन लिखा होता, तब भी किसका नाम आता, टालकॉट पार्सन्स का नाम आता, 1937 का वर्ष आता वो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा, दो मैंने इंपॉर्टेंट किताब आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। एक आती वर्किंग पेपर इन द थ्योरी ऑफ एक्शन, वर्किंग पेपर करके, वो भी टालकॉट पार्सन्स की है, वर्किंग पेपर इन द थ्योरी एक्शन करके आता है, वो भी टालकॉट पार्सन्स का है और वो 1953 आता है, 1953 आता है। तो यहाँ पर सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट होगा, ठीक है मैडम, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, किसने अफ्रीकी जनजाति और जो है चोकटा और जो है ओमाहा की नातेदारी प्रणाली की संरचना का अध्ययन किया है, ये देखिए सवाल आपके सामने प्रस्तुत हो गया। आप चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, प्लीज एक बार जवाब दीजिएगा मुझे। ऑप्शन सर, ऑप्शन आप डी बता रहे हैं, डी कि बी, बी फॉर बॉम्बे, डी आएगा सर। यहाँ देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूँ, देखिए यहाँ अगर हम बात करते हैं किसने अफ्रीकी जनजाति के बारे में, यहाँ पे सवाल हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है ना, अफ्रीकी नातेदारी के बारे में रिप्रेजेंट करने वाला विद्वान है ना, तो नाम यहाँ पर जो रिप्रेजेंट होने वाला है वो आपका बी ऑप्शन जाएगा, रेडक्लिफ ब्राउन का नाम, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिथ की संरचना का अध्ययन किया है, मिथ के संरचना का अध्ययन किया है, ठीक है बताइए। प्लीज नाम बताइए मिथ संरचना का, मिथ संरचना का अवधारणा किसके द्वारा दिया गया है, आप बता सकते हैं प्लीज एक बार इस सवाल का जवाब बताएं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने प्रस्तुत है और मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए जाएगा, लेविस्टॉस, किसका, लेविस्टॉस का नाम जाएगा। निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि संरचनाएं सामाजिक प्रणाली के कार्यकरण के लिए अपरिहार्य नहीं है, सही जवाब क्या होना चाहिए, आर के मार्टन। किसने भूमिका संबंध की संक्षिप्तीकरण की भूमिका विन्यास में भूमिकाओं का व्यक्त करने का एक तंत्र के रूप में प्रतिपादित किया है, तो जवाब भी आप बता सकते हो कि यहाँ पर आर के मार्टन संबंध में, आर के मार्टन। अब यहाँ पर देखिएगा आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर एट आपके सामने, और इस सवाल में जो है डायनमिक्स ऑफ कल्चर चेंज की बात किया है, मैं पहले भी इसके बारे में साथ बता चुका हूँ डायनमिक ऑफ कल्चर चेंज के कॉन्सेप्ट में, एन इंक्वायरी इनटू रेस रिलेशन इन द अफ्रीकन अफ्रीका पोलिस विद्वान मैलिनोवस्की का नाम यहाँ पर बेसिकली बड़ी फेमस रही है इस किताब को लेकर, प्लीज़ आप सभी लोग ध्यान रखेंगे सन 1945 में इस किताब को बेसिकली लिखा गया था, ठीक है। और इसी मैलिनोवस्की की मृत्यु के 3 साल बाद मरणों उपरांत जो है इस किताब को पब्लिश किया गया था, और संस्कृति परिवर्तन की गतिशीलता में एक सकारात्मक भूमिका जो है बेसिकली मैलिनोवस्की के द्वारा रिप्रेजेंट की गई। देन अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो एक एनालिसिस ऑफ सोशल चेंज किताब आपके सामने रिप्रेजेंट हो रही है, और आशा करता हूँ कि आप बता भी सकते हो इसका सही जवाब क्या होगा। विल्सन जी, विल्सन का नाम आएगा, और अफ्रीकी ऑफ सोशल चेंज के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ये नाम किसका रिप्रेजेंट होने वाला है, पीसी लॉयड जो है, लॉयड का नाम। और एशियन ड्रामा तो आसान है, बता सकते हो आप एशियन ड्रामा बता सकते हैं ना, मर्डल का नाम, ठीक है। तो ये आपके लिए ये किताब बनेगी, और ऑप्शन आपको जो जा रहा है यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ किताबें हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और कौन सा सैद्धांतिक उपागम है जिनमें समाजों की अवधारणा सामाजिक व्यवस्था के रूप में की जाती है, सामाजिक संरचना के विभिन्न लक्षणों की व्याख्या व्यवस्था एवं अनुरक्षण में उनके योगदान के पदों में भी की जाती है, क्या जवाब यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, किस प्रक्रिया का संदर्भ यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि संरचनात्मक प्रकारवाद, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग, है ना, मैंने थोड़ा सा आपको प्रश्न दिखा दिया है यहाँ पर प्रश्न का पैटर्न क्या होता है। इसी तरीके से रोज़ हम लोग 10-10 क्वेश्चंस भी कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग जो है टॉपिक को भी कवर करेंगे। तो एमपी सेट की जो क्लासेज हैं आप सभी लोगों को अब ज्वाइन करना है, सोशोलॉजी की है, यूनिट नंबर 1 से मैंने क्लासेज स्टार्ट कर दिया है,
ठीक है, बीच बीच में मैंने और भी यूनिट बना रखा है, यूनिट नंबर 3 भी बना रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर, मैं आपको बताऊंगा जब उसका नंबर आएगा, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा कि देखो टॉपिक मैंने करवा दिया है आप लोगों को, ये वहां से पढ़िएगा क्योंकि आप लोगों ने क्लास को ज्वाइन भी किया था उस समय, है ना। बाकी चीज़ें जो है आपका क्रम से सिक्वेंस करते करते चलेंगे हम लोग, ठीक है, यूनिट के क्रम में चलेंगे, यूनिट नंबर फर्स्ट चल रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग, बाकी कल आपकी क्लास चलेगी 9 to 10 AM, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी आप सभी को। अभी इसकी वीडियो और PDF आप लोगों को मैं आपके जो है टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूँ, ठीक है, चलिए।